अजमेर शरीफ दरगाह, जहां हर साल लाखों लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। लेकिन अब यह जगह विवादों में है। क्या यहां पहले मंदिर था? क्या दरगाह मंदिर तोड़कर बनाई गई? और क्यों अब इसके सर्वे की मांग उठ रही है? आइए जानते हैं इस विवाद की पूरी सच्चाई। यह विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका में दावा किया कि अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण एक प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर किया गया है। उन्होंने इसके प्रमाण के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्थानीय किंवदंतियों का हवाला दिया। इन दावों के बाद हिंदू संगठन ने दरगाह का सर्वे कराने की मांग की है, जैसा कि वाराणसी के ज्ञान बापी मस्जिद मामले में हुआ था। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तय की। अब आपको बताते हैं कि आखिर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए कानूनी हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि यह मामला धार्मिक भावनाओं और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा हुआ है, जिसके समाधान के लिए कोर्ट का हस्तक्षेप आवश्यक है। कोर्ट द्वारा वाद को स्वीकार करने के बाद यह मामला और अधिक गंभीरता से देखा जा रहा है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अजमेर शरीफ दरगाह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है। यह 12वीं शताब्दी में बनी थी और इसे भारत में सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कुछ संगठनों का कहना है कि यह दरगाह एक मंदिर की जगह पर बनाई गई थी। इन दावों में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ज्ञानवापी और मथुरा के बाद अजमेर शरीफ को लेकर भी सर्वे की मांग अब तेज हो गई है। हिंदू संगठनों का कहना है कि जैसे वाराणसी में वीडियोग्राफी और सर्वे कराया गया, वैसे ही अजमेर शरीफ में भी पुरातात्विक सर्वेक्षण होना चाहिए। उनका दावा है कि यहाँ मंदिर के अवशेष हो सकते हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच भी बयानबाजी शुरू हो गई है, जहाँ बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इस मांग का समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताया है। कई नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास है। अजमेर शरीफ मुद्दे पर ANI से बातचीत में सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था, इस तरह के छोटे छोटे जज बैठे हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है इसका। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चादर भिजवाते हैं। देश दुनिया से लोग वहां आते हैं। उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सत्ता में बने रहें बस। वहीं इस पूरे विवाद पर ऑल इंडिया सूफी सज्जादान श्रीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि दरगाह 850 साल पुरानी है और इसे 100 साल पुरानी एक किताब से खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्थानीय किंवदंतियों में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो ये साबित करे कि यहाँ पहले मंदिर था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह इलाका पहले हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हो सकता है, लेकिन यह दावा अभी तक सिर्फ अटकलों पर आधारित है। अगर सर्वे होता है और कोई प्रमाण मिलता है तो यह मामला और बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे पहले यह देखना होगा कि अदालत इस मांग को स्वीकार करती है या नहीं। कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। अजमेर शरीफ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यह विवाद धार्मिक और सामाजिक सद्भाव पर क्या असर डालेगा, ये तो समय ही बताएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।